नमस्कार, मैं विलास उरकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। आज ईद मिलादुन्नबी पर दरगाह मैदान इंडिया से परचम कुताही के बाद हजारों मुस्लिम भाइयों ने भव्य रैली निकाली। गोंदिया शहर में ईद पर सर्वप्रथम ईदगाह मैदान से शाहरुख पठान अध्यक्ष की उपस्थिति में तमाम हजरत मुस्लिम समाज के हजारों जन समुदाय के बीच विशाल जुलूस वेस्ट हाउस सीजी कंपनी पाल चौक रामनगर अंडरग्राउंड होते हुए दुर्गा चौक गोरेलाल चौक मनोहर चौक मार्ग से निकलकर माइनेटरी ट्रस्ट गोंदिया द्वारा आरटीओ ऑफिस के पास विधायक विनोद अग्रवाल काशी जायसवाल तथा ट्रस्ट कमेटी के सभी मेंबरों ने मिठाई तथा शरबत वितरित की। इस प्रकार कांग्रेस कमेटी द्वारा भी जय स्तंभ में तथा राका कार्यालय पाल चौक रामनगर बाजार चौक राका ऑफिस के सामने आदि जगह जगह पर शरबत लंगर आदि वितरित किए गए। देखे खबर महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ آج جشن عید میلاد النبی ملک میں بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے یہ عید ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے حقیقتاً یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد آپ نے جو आपकी सहेली और जीवन प्रक्रिया चली है, जीवन की जो आपकी गाथा है, आपने जो पैगाम दुनिया को दिया है वो अमनो अमान का पैगाम है। आपकी सीरत पर चलकर लोग कामयाबी की मंजिल फतह हासिल करते हैं। आज दौरे हिंदुस्तान में सबसे पहले मैं समस्त गोंदिया जिला वासियों को ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, दिली मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे गोंदिया जिले की भी विशेषता है, कोई भी जात पंत धर्म का कार्यक्रम हो, हम सभी लोग मिलकर के बहुत उत्साह जश्न के साथ में मनाते हैं। और आज पूरे गोंदिया शहर में सभी लोग मिलकर के इसका यह कार्यक्रम पवित्र त्यौहार हम सभी लोग मिलकर के मना रहे हैं। आज यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी ट्रस्ट के माध्यम से स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। हम देख रहे हैं कि पूरे गोंदिया शहर में ईद के त्यौहार के जुलूस के जगह जगह पर बहुत ही उत्साह के साथ में स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है। और निश्चित तौर पे किसी खुशी के मौके पर हम सब मिलकर के इस त्यौहार को